क्लिक करें सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस जी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोला एस जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप 5 क्रीमें रखी हुई हैं। आज इन टॉप 5 में से बताऊंगा नंबर 1 कौन सी ऐसी क्रीम है जो कि एंटी फंगल तरीके से या फिर दांत खाज खुजली की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये पाँचों ही क्रीमें इंडिया में काफ़ी छाई हुई हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी ही अच्छी क्रीमें मानी जा रही हैं, इसीलिए ये टॉप 5 में मौजूद हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इनमें से नंबर 1 कौन सी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को दबा के बेल नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि नंबर 5वें पे हमारी कौन सी क्रीम है। तो मैं बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, नंबर 5वें पे हमारी क्रीम है कैस्टर एनएफ। फ्रेंड्स, ये ऐसी क्रीम है जो कि दांत खाज खुजली को तो काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म करती है, लेकिन इसका उपयोग कुछ लोग फेयरनेस के तौर पे भी करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी मार्केट में प्राइस है 65 रुपये और ये 15 ग्राम का है। ये 65 रुपये का 15 ग्राम की क्वांटिटी में किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 5वें नंबर पर इसलिए भी है क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अन्य जो क्रीमें हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी कम है, जबकि इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, 65 रुपये है, इसलिए ये 5वें नंबर पे है। तो इसलिए अब मैं इसे इस रे से बाहर करता हूँ। अब हमारे पास जो दूसरी क्रीम बची है, हमारी टॉप 4 क्रीमें, उसमें से मैं बताऊँगा नंबर 4 पे हमारी कौन सी क्रीम है। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि नंबर 4 पे है हमारी डर्मी 5 क्रीम। डर्मी 5 क्रीम जो है फ्रेंड्स, इसकी जो मार्केट में प्राइस है 45 रुपये है। ये थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन उतनी भी सस्ती नहीं है, एवरेज प्राइस पे है और इसकी क्वांटिटी है 15 ग्राम की। फ्रेंड्स, ये डर्मी 5 क्रीम जो है क्लोबेटासोल, प्रोपेनोड, जेंटामाइसिन, टोलटेन और आयोडोसिल इत्यादि कंटेन करता है। फ्रेंड्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दांत खाज खुजली या फंगल इन्फेक्शन की समस्या को रिमूव करते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप अपने अपने पेनिस वगैरह पे भी, अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह पे ही इसका इस्तेमाल करिएगा। फ्रेंड्स, इसे यूनिवर्सल ट्विन लैब्स बनाती है, जो कि कई सारे मेडिकल के प्रोडक्ट बनाती रहती है, और ये हिमाचल प्रदेश में डर्मी 5 क्रीम का प्रोडक्शन कर रही है। तो फ्रेंड्स, इसे भी अब मैं इस रेस से बाहर करता हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारे पास हमारी टॉप 3 क्रीमें बची हुई हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 3 पे कौन सी है, उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 1। उससे पहले कहना चाहूँगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कि नंबर 3 की कौन सी प्रोडक्ट है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, नंबर 3 पे हमारा बेटनोवेट एन क्रीम। फ्रेंड्स, बेटनोवेट एन में जो एन होता है उसका मतलब होता है न्यूमासिन स्किन क्रीम होता है, जो कि एक केमिकल होता है जो कि दांत खाज फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करता है। फ्रेंड्स, आपके मन में कुछ सवाल हो रहे होंगे बेटनोवेट एन के बारे में, उसे भी अभी मैं क्लियर करूँगा। फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस है 30 रुपये है और ये 20 ग्राम का पैक होता है, तो ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी। तो जो सवाल हो रहे होंगे आपके कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल फेस पे करते हैं, फ्रेंड्स, तो आप इसका इस्तेमाल फेस पे तो कर सकते हैं, लेकिन फेयरनेस के लिए मत करिए, क्योंकि ये गोरे होने वाली क्रीम नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ लोग इसका इस्तेमाल गोरे होने के लिए करते हैं, तो ये गोरा बिल्कुल भी नहीं करती है। गोरा तो करेगी, लेकिन बाद में फिर आपके चेहरे को ये ख़राब भी कर देगी। तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी फेयरनेस के तौर पर ना करें और किसी को भी इसे लगाने की सलाह ना दें फेयरनेस के लिए। ये दांत खाज खुजली, फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे भी अब मैं इस रेस से बाहर करता हूं और हमारे पास बची है हमारी टॉप 2 क्रीमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 2 पे कौन सी है। तो नंबर 2 पे जो हमारी क्रीम आ रही है उसका नाम है पैंड्रम प्लस प्लस क्रीम। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो ये पैंड्रम प्लस प्लस क्रीम है, सबसे पहले इसका नाम होता था पैंड्रम, तो पैंड्रम को सरकार ने बंद कर दिया, बैन कर दिया उसे, तो पैंड्रम ने एक नई क्रीम बनाई जिसका नाम था पैंड्रम प्लस, तो सर गवर्नमेंट ने उसे भी बंद कर दिया। तो अब दोबारा इन्होंने बनाई है पैंड्रम डबल प्लस। तो इस जो पैंड्रम डबल प्लस क्रीम है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी तो है, लेकिन इसके पिछले वर्जन के बैन होने की कारण ये थे कि इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन इन्होंने इस बार इसे काफ़ी अच्छा कर लिया और सुधार लिया है, इसलिए लोग इस क्रीम को पसंद भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 81 रुपये का मिलता है और 15 ग्राम की क्वांटिटी होती है, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है फ्रेंड अन्य क्रीमों के कंपैरिजन में, लेकिन इसके वर्क काफ़ी अच्छे हैं। आप इसे भी फेयरनेस के लिए ना इस्तेमाल करें, आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली की समस्या के लिए इस क्रीम को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे भी इस रेस से बाहर करता हूँ और बात करते हैं हमारी नंबर 1 क्रीम के बारे में। तो हमारी नंबर 1 क्रीम मिल चुकी है हमें, जिसका नाम है बेटनोवेट सी क्रीम। इसकी सबसे पहले हम प्राइस जान लेते हैं। इसकी जो प्राइस है 44 रुपये है फ्रेंड्स, और ये 30 ग्राम का है।
तो इसकी भी प्राइस ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है ना सस्ता है, ये 30 ग्राम का है तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं बता देता हूँ बेट नंबर सी में, जो सी का मतलब होता है उसका मतलब होता है क्लूकोनॉल। क्लूकोनॉल फ्रेंड एक ऐसा केमिकल होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फंगल इन्फेक्शन दांत खाज खुजली या फिर पिंपल में पक जाना या फिर क्या कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, आपके पिंपल्स में पानी भर जाना, या फिर जब आप चोट लग जाती है, जल जाते हैं तब वहाँ पे जब इन्फेक्शन हो जाता है तब उन सभी पे इसको लगा सकते हैं। लेकिन आप इसे फेयरनेस के लिए ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग इस क्रीम को भी फेयरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी नंबर 1 बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन क्रीम। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।